मैंने जब कथाएं शुरू करी थी आरंभ में, बहुत समय हो गया है, मेरे एक साल में कथा होती थी। मेरे एक मित्र थे और हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। कथा तो एक साल में होती थी लेकिन स्टडी में कमी नहीं थी, पढ़ाई में कमी नहीं थी। वो कहने लगे, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, मैंने तो बहुत छोटी उम्र में ही कथा आरंभ कर दी थी, तो कहते थे कि कब तक ऐसे काम चलेगा, ऐसा बेकार है सब, छोड़ छाड़ दो। मैंने कहा कि मैं 15 महीना मांग रहा हूँ, 1.25 साल, और यदि इतने दिन में सफलता नहीं मिली तो मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। लेकिन 1.25 साल तो मैं कठोर मेहनत करूंगा। सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि प्रकृति का दोष नहीं है, अभी कमी है हमारे अंदर, हमारी ठीक से तैयारी नहीं है। नहीं तो जहां हमने एक कथा करी है वहां हमें 10 कथा मिलनी चाहिए। किसी ने कहा उम्र कम है, अभी उतना इतना ढंग नहीं है, ये सब सीखते सीखते हो जाएगा। मैंने कहा 1 साल में एक कथा होगी तो ऐसे तो काम चल नहीं पाएगा। तैयारी करी, जो समय दिया था उससे पहले ही कथाएं अधूर ढंग से चालू। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसे हार हो जाएगी? कहते हैं दुकान नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? बगल वाले को क्यों चलती है? क्योंकि वो मिलावट नहीं करता। बगल वाले की क्यों चलती है? क्योंकि उसका आने वाले ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा है। बगल वाले की क्यों चलती है? क्योंकि वह मुनाफे की परसेंट कम रखे हुए है। बगल वाले की दुकान इसलिए चलती है, वो समय से दुकान खोलता है। बगल वाले की दुकान इसलिए चलती है क्योंकि उसकी ग्राहकी पुरानी है। तुम्हारा सब नया नया काम है, अब नए काम के अनुभव में और 10 वर्ष के काम के अनुभव में अंतर तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। कोई हमें बोल रहे थे कि तुम्हें कथा में 19 महीने हो गए हैं, ये 2-3 महीने पुरानी बात है। मुझे मेरे मित्र लोग भी आते हैं मिलने को, भक्ता लोग, कहा हमने तो पूरे लॉकडाउन में एक भी कथा नहीं करी। हमने कहा तुम्हें कथा कहते हुए कितना समय हुआ है? उन्होंने कहा हमें 7 साल हुई है। मैंने कहा तैयारी करो, 7 साल में और 26 साल में बहुत अंतर है। हाँ, 7-26 में अंतर नहीं होगा क्या? तुम कहो कि बस हाल ही और बिल्कुल वहां पहुंच जाए, संभव ऐसे कैसे होगा? तैयारियां करें, तैयारियां करो। तो जो दरिद्रता का श्राप है इसको पुरुषार्थ की तलवार से काट करके फेंक दो। बारीकी से देखो कमी कहां रह रही है, इसलिए सफलता नहीं मिल रही। और कोशिश पूरी की जाएगी, ढंग से की जाएगी, 100% सफलता मिलेगी।